बोकारो दिनभर में आज कसमार के राज्य खाद्य निगम के गोदाम से लगभग 2500 क्विंटल अनाज गायब होने के मामले की जांच शुरू। देंगे इसकी पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ इस उत्सव की धूम सुबह से ही हर गली चौराहे पर महसूस की गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में हुए उत्सव में भी हम शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की खबरों में पीडीएस के द्वारा लाभुकों को मिलने वाले अनाज में कथित गड़बड़ी के खिलाफ कसमार में लाभुकों ने हंगामा किया, बताएंगे पूरी घटना। नीति आयोग भारत सरकार के निर्देश पर 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम भी खबरों में होगी। साथ ही मौके पर हुए निबंध और डिबेट प्रतियोगिता में किस स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी, यह भी बताएंगे। बात ओमिक्रोन और कोरोना की भी करेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय स्टूडेंट की जान चली गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा घटना की पुष्टि में यूक्रेन के खार्किव में हुई फायरिंग के दौरान एक भारतीय स्टूडेंट की जान चली गई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि तुरंत यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ दें। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में 5.4% रही। भारत ने पिछले 24 घंटे में 6,915 नए कोरोना मामले, 180 कोरोना पीड़ितों की मौत। सोने की कीमत 300 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा में 1932 खतियान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी मूलवासी को लेकर गंभीर है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट के आदेश का अध्ययन चल रहा है। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों को कथित तौर पर विस्फोटक देने के मामले में राजद नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान तीनों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में मार्च के पहले हफ्ते में ठंड में कमी आएगी और दूसरे हफ्ते से गर्मी की शुरुआत होने का अनुमान है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश पीके देव सोमवार को अपने देवघर के सफर के दौरान कुछ वक्त के लिए बोकारो के पेटवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुके, जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा समेत अन्य वरीय न्यायिक और प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित में पुलिस जवान ने उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर दिया। बोकारो के कसमार ब्लॉक स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम से 2,409 क्विंटल गायब हुए अनाज मामले की जांच 4 सदस्यीय टीम ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से अनाज गायब होने की खबर के बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बिठा दिया है और 48 घंटे के अंदर दोषियों को चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स ने की अगुवाई में टीम ने कसमार के अनाज गोदामों की जाँच की। जाँच के दौरान गोदाम में बक्सा में मिले कागजात को भी सील कर दिया गया है। इस दौरान सभी गोदामों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पहले अध्यक्ष मनीषा वत्स के द्वारा कागजातों की मांग की गई और उन्होंने पूर्व एजीएम जितेंद्र भगत और वर्तमान एजीएम हरेंद्र कुमार से भी इस मामले की गहन पूछताछ की। आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स ने बताया कि स्टॉक और कागजातों को मिलान के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। भागता ना कहीं, हम नहीं पर हम तो बोले ना, हम भी तो देखे, हम नहीं जानते हैं, अंदर हम भावुक हो जाते हैं।
आप कर रहे हैं, इसका मतलब प्रभार में अभी भी आप हैं। जी मैम। तो कैसे सब कुछ है? फिर चला एक से बैठे एक 22 तो 22 से थोड़े हम तो बैक का देखेंगे ना, 24 सौ थोड़े। ये सब कब का है निकालिए, चेक कीजिए। जिला से टीम गठित हुए आए हैं, हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, हम निर्दोष हैं। खदान वितरण किया, वितरण और उठाव के दौरान जो रेशियो था, जिस माह में खदान का उठाव हो रहा था उस माह का खदान पिछले माह में वितरण में जा रहा था, उसे लगा कि जिस ये तो करंट महीना का खदान आता, करंट महीने में वितरण करना होता, सरकार का नियम भी बना जनवरी से अनाज आता उसी माह में उसको करंट महीने में देना है, पहले नहीं होता था, पहले पता नहीं, हमको जानकारी भी नहीं है। मगर हम तो जब से आए तो देखे कि दिसंबर का खदान जनवरी में दिया जा रहा था, प्रभार नहीं ले रहे थे कि जब तक हमको मिलान नहीं होगा हम प्रभार किसी कीमत पर हम नहीं लेंगे। खदान का मिलान और जो शॉर्ट है हम दे दिए हैं लिखित में। हाँ, 24 अब चाहते हैं कि जो खदान की कमी है आप वो कैसे है, ताकि पब्लिक को खदान चाहिए, नहीं आप पूरा करके नहीं, आप जो उतना कमी है हमको उतना देंगे तो हम ले लें। खाद्यान्न एक किलो भी यहाँ से नहीं बेचा गया है, गड़बड़ी तो मिलान हो रहा है, मिलान के बाद पता चलेगा गड़बड़ी है या नहीं है। आप जी नहीं, चाबी मेरे पास नहीं रहता है, जिनको हमने प्रभार दिया हरेंद्र कुमार को, आरोप तो आप ही पर लगा, लगाने का तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, स्टॉक मिलान करके कुछ चार्ज दिए। जी हाँ, फिर इतना शॉर्ट कैसे बता रहा था अब इसको, तब एक महीना ऑपरेट करने के बाद अगला कह रहा है तो वही जानेंगे ना। तो स्टॉक मिलाने में कितना समय लगा? हमको एक महीना टाइम लगा था। इनके साथ स्टॉक कितना दिनों मिला लिया? किनके साथ? इनके साथ, इनके साथ हम स्टॉक नहीं मिलाए। क्यों नहीं? प्रभार देने के समय तो नियम है ना कि स्टॉक मिला तो वो अपना बोरा सब गोदाम को देखे कि हाँ भाई गोदाम भरा हुआ है तो हम संतुष्ट हैं सर। तो ऐसे संतुष्टि होता है? अभी वही आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि हमको नहीं दिया है। अब उसका तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि गोदाम में कितना माल हो तो गिनती करके दीजिएगा ना। हाँ, गिनती करके दिए और वो सब देख लिए और संतुष्ट होके तब लिए। दोनों आदमी मिलान किए? जी हाँ। एक साथ? जी हाँ। कितना? नहीं, वो तो एक दिन में ही सबको गोदाम खोल के हमने दिखा दिया उनको कि भाई इसमें इतना इतना है माल, आप देख लीजिए। मतलब देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए और आप ले लीजिए। आपका मिलान नहीं किया आपने? हाँ, भेरी मतलब को एक साथ उस समय स्टॉक का भी मिलान इन्होंने नहीं किया। डीसी सर ने एक कमेटी का गठन किया है, 4 सदस्यीय कमेटी है ये, जिसमें कि जो खाद्यान्न है गोदाम में उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसी की जाँच के लिए हम लोग आ जाए हैं और अभी जाँच जो है वो जारी है और एक बार जांच कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिपोर्ट जो है डीसी सर को सबमिट करेंगे। अभी तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, अभी बहुत जांच बाकी है, अभी इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग। प्रभार जो है वो अभी नहीं दिया गया है, पिछले जो AGM है उन्होंने अभी प्रभार नहीं दिया है और इन्होंने भी नहीं लिया है, तो बेसिकली ये दोनों के बीच की चीज़ चल रही है, अभी प्रभार कहीं भी नहीं, अभी हम लोग आकलन नहीं कर पाए हैं। अभी नया हरेंद्र कुमार जो नया है उन्होंने वेरिफिकेशन किया है, गोदाम का वेरिफिकेशन करते हुए उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है जो अभी हम लोगों की जांच के अधीन है, अभी हम लोग उस पर भी जांच करेंगे कि ये जो गैप है ये उन्होंने जो बताया वो कितना सत्य है, उस पर भी अभी जाँच बाकी है। बोकारो में PDS दुकानदार के द्वारा गरीब कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं में लाभुकों को मिलने वाले खाद्यान्न को देने के पीछे कुछ महीने से की जा रही कथित गड़बड़ी के खिलाफ लाभुकों ने कशमार प्रखंड कार्यालय में सोमवार को जमकर हंगामा किया। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा ने मामले पर जांच की मांग की और कहा कि मिली भगत से 6 महीने से गरीबों को प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले अनाज PDS के द्वारा नहीं बांटा गया। आज यहाँ पर सिंहपुर पंचायत
और कर्मा सिंहपुर से आई हईसिम पंचायत से लाभुक लोग आया हुआ है, पीएच कार्ड वाले, उनको 6 महीना से मुफ्त राशन जो देने का था प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो 6 महीना से मुफ्त राशन नहीं मिला है। वो लोग आज से 8 रोज 10 रोज पहले यहाँ शिकायत किया, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से आवेदन दिया, उसमें भी सूत्रीय अध्यक्ष वहाँ का मुखिया सबके सामने वो लोग शिकायत किया था। लगभग 150 से ऊपर कार्डधारी लाभुक साइन करके हस्ताक्षर करके प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी, जो राशन जहाँ बढ़ता है, जिसे मुख्यालय में राशन बढ़ता है, फ्री वाला भी और पैसा वाला भी, लेकिन यहाँ 2-2 किलो करके काटा जाता है डीलर के द्वारा। डीलर को बोलिएगा तो डीलर डरता है कि, और हिसिम में खुलेआम जुलाई से लेकर के जनवरी तक का फ्री का राशन ब्लैक कर दिया गया है। और उसका शिकायत जब सीओ साहब से किया गया, सीओ कम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से, तो ये पब्लिके को उल्टा डांट रहे हैं कि नहीं नहीं डीलर बांट दिया है, डीलर ठेपा ले लिया है, हम जा करके चेक कर लिए हैं। इसलिए आज वहाँ के आक्रोशित भीड़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। इनकर बैठक कारण इतने ही कि जे हम इनके पीडीएस दुकान से कोरोना काल में कि जितना चावल हम इनके मिले रही, जैसे कार्ड के अनुसार यूनिट के हिसाब 5 किलो खरी के प्रत्येक महीना, और जैसे कि महीना में 2 बार मिले रहे थे, एगो फ्री वाला एगो पैसा वाला, तो हम इनके ऐसा सिस्टम मिल रहा है कि एक महीना में जे महीना फ्री वाला दिला है से महीना पैसा वाला नहीं दिले, और जे महीना पैसा वाला दिला है से महीना फ्री वाला चावल नहीं दिले। तो हम इन डीलर के शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत हम इन बहुत तरीके से कर ले, जैसे विधायक पास शिकायत कर ले, मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुँचल है, सीओ के शिकायत कर रहे हैं। तो हम इनके शिकायत के अनुसार जैसे हम इनके पीडीएस दुकान में जाँच पड़ताल गए, सीओ साहब गए, लेकिन सीओ साहब की जांच करे कर अनुसार इतने हले कि जितना हम इन शिकायत करता रहिए या जितना लाभुक हम इन रहिए, उतना लाभुक के ककरे ना जाके पूछल है, वो डायरेक्ट कोटा दो पीडीएस दुकान में जाए गेल है, और पीडीएस दुकान के अगल बगल घरे में जाके पूछताछ करल है, और पूछताछ करी के 10 से 15 या 20 को साइन करी के वो आई गए। वही खातिर ले ओकर हम इन के कहना है कि, और हम इनके उद्देश्य एटे है कि हम इन शिकायत कर लिए तो हम इनके जाए के कहे नहीं पूछ ले, पूछ ले तो एक ओकर घर के अगल बगल के सामने कहे ले, मतलब दूसरा टोला क्यों नहीं जाके पूछा। इतने ही खातिर आज हम इन सब लाभुक फिर से इच्छुक के लिए कि चलो हम इन ब्लॉक सीओ साहब से बात करो, वह आज हम इन ब्लॉक सीओ साहब से बात करे ले हम इन अल। इस मामले में जब कसमार के अंचल अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच में सभी शिकायतकर्ताओं ने पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लगाए गए आरोप को गलत बताया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना की रफ्तार की। सोमवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार रविवार और सोमवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और सोमवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 20 रह गई। उस दिन 4 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। आज महाशिवरात्रि, आपको बता दें कि शिवरात्रि हर माह मनाया जाता है, पर फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में कहा जाता है। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाए जाने की मान्यता। भोलेनाथ की इस उत्सव की धूम सुबह से ही गली चौराहे पर देखने को मिल रही थी। महाशिवरात्रि के मौके पर हम भी कुछ मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना में शामिल हुए। नीति आयोग भारत सरकार के निर्देश पर 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बोकारो में सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत में बेहतर प्रदर्शन और अच्छे काम के लिए कर्मियों और प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के बच्चे के बीच निबंध प्रतियोगिता और डिबेट का आयोजन किया गया। मौके पर बोलते हुए उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुलामी और उसके बाद मिली आज़ादी के बारे में जानकारी रखना। उप विकास आयुक्त कृति श्री जी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़ी बातों को अवगत कराना। कार्यक्रम में आयोजित स्कूली बच्चों के निबंध प्रतियोगिता +2 उच्च विद्यालय कसमार के मोहम्मद फिरदौसी और आलम ने पहला और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चास के तरन्नुम खातूर ने दूसरा
KN+2 के उच्च विद्यालय हरनाद के सूरज कुमार महतो को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं डिबेट प्रतियोगिता सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय पिंडाजोरा के नेहा कुमारी ने प्रथम, KN+2 विद्यालय हरनाद के स्नेहा कुमारी को द्वितीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कसमार की नंदिनी कुमारी को तृतीय स्थान अर्जित किया गया। बोकारो जिला आप लोग का जो है आज उसी का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी जिस प्रकार से हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया तो उसका एक इकाई बोकारो में आज भी है, जिसको हम लोग BSL बोकारो स्टील लिमिटेड और सेल के नाम से। अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ भी उस समय व्याप्त थी, चाहे महिलाओं का शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ापन, क्योंकि शिक्षा के अवसर तो थे परंतु उस तरह का सोच लोगों की नहीं थी कि जहाँ पर महिलाओं को बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाए। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे MD सबीर द्वारा किया गया, जिन्होंने 25 फरवरी के हमारे बोकारो दिनभर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के YouTube चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि 1932 के खतियान के बारे में बताइए। सबीर जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और 1932 खतियान फिर से झारखंड में चर्चा का विषय है, यहाँ तक कि विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात इस मुद्दे पर रखी है, जिसको कि हमने अपने खबरों में शामिल किया था। 1932 के खतियान से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। फिर आपका एक बार धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।